जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माता दी, ताकि माता रानी इस दीपावली आपके घर में स्थायी रूप से वास करे। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों दिवाली की सफाई में धनतेरस से पहले घर से अवश्य निकाल फेंके ये चीज, वरना घर में होगा गरीबी और दरिद्रता का वास। माँ लक्ष्मी नहीं करेगी घर में प्रवेश, साल भर रहेगी धन की कमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों खुशियों और रोशनी का त्योहार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 23 अक्टूबर के दिन रविवार को है। इस दिन माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है दिवाली पर माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उनके घर आती है। लेकिन अगर आपके घर में दिवाली के दौरान ये अशुभ वस्तुएं होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपको साल भर धन की कमी बनी रहेगी। इसीलिए घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी का घर में वास हो, इसलिए आप सभी दीपावली से पहले, यहाँ तक के धनतेरस से भी पहले ही अपने घर से क्या चीज अवश्य ही निकाल पैके, इस बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे दोस्तों, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि साल भर धन की कमी आपको ना झेलनी पड़े। दोस्तों दीपावली का पर्व पूरे 5 दिन का होता है। ये पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी भाई दूज तक होगा। ले आइए जानते हैं इस साल 2022 में दिवाली व धनतेरस कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों धनतेरस 23 अक्टूबर को इस साल पड़ने वाली है और धनतेरस पर जो तिथि का महत्व है वो त्रयोदशी तिथि का महत्व है। तो त्रयोदशी तिथि जो है वो 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से लेकर के 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक रहेगी। आइए 23 अक्टूबर को धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि पूजा आपको कब करनी है। शाम का वक्त जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रविवार को शाम को 5:44 से 6:05 तक का रहेगा। तो इस अंतराल में आप लोग पूजा कर सकते हैं, यानी पूजन की कुल अवधि 21 मिनट की रहेगी। इसके बाद अगले ही दिन 24 अक्टूबर को दिवाली है। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल को माना जाता है, जो कि 24 अक्टूबर को शाम 6:54 से रात्रि 8:16 तक रहेगा। इस बार लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे शुभ काल 1:21 का है। शास्त्रों में बताया गया है जिस घर में गंदगी होती है उस जगह माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम घर से निकालने की जगह उन्हें दोबारा घर में ही संभाल कर रख लेते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गरीबी आती है, आलस रहता है, बीमारी रहती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए, घर में कभी भी पैसों की कमी ना रहे, तो आप धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही बाहर निकाल दें। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या है वो चीज। दोस्तों सबसे पहली चीज है बेकार घड़ी। कई बार हम सभी घड़ी खरीदते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता की वजह से उसे अपने घर में ही रखे रखते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आपके घर में भी कोई बंद घड़ी है, चाहे वो दीवार की घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो, उसे या तो धनतेरस से पहले ही ठीक करा लें या फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल फेंके, क्योंकि घड़ी आपकी प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक है। इसीलिए घर में बरकत और उन्नति के लिए आप इस दिवाली से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से निकाल फेंके। दोस्तों दूसरी चीज है जूते चप्पल। हम सभी कई सारे जूते चप्पल खरीदते हैं और कई जूते चप्पल तो ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने घर से बाहर नहीं फेंकते और उन्हें अपने घर में ही एक कोने में कबाड़ की तरह संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे पुराने जूते चप्पल है तो उन्हें आप दीपावली के त्योहार से पहले सफाई करते समय अपने घर से बाहर निकालना ना भूलें। जिन जूतों चप्पल का आप प्रयोग नहीं करते वो फटे पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को लाते हैं। दोस्तों तीसरी चीज है बर्तन। हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई घर। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई में कभी भी कबाड़ इकट्ठा ना होने दें।
खासकर रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तन में कभी भी भोजन भी नहीं करना चाहिए। बर्तन टूट जाएं अगर या फिर चटक गए हों तो इन्हें तुरंत ही घर से बाहर कर दें। अगर आपके घर में ऐसे बर्तन हैं तो आप इन्हें दीपावली से पहले घर से बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन घर में लड़ाई झगड़े के कारण बनते हैं, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों चौथी चीज है खंडित मूर्तियाँ। कभी भी भूल कर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही टूटी हुई मूर्तियों या फटी हुई भगवान जी की फोटो को घर में रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जी की जो मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाती है उसमें से भगवान जी का रूप निकल जाता है और वो केवल मूर्ति रह जाती है। ऐसी मूर्ति के पूजा से दोष लगता है। अगर आपके घर भी ऐसी भगवान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे तुरंत ही आप अपने घर से निकाल दें। साथ ही दीपावली की पूजा में मंदिर की अच्छे से सफाई करके ही पूजा करें, तभी दोस्तों देवी लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अब बताएंगे कि आपको खास धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन क्या वो चीज है जो जरूर खा लेनी चाहिए। दोनों ही दिन बहुत ही शुभ है। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन आप ये चीज जरूर खाएं। दोनों ही दिन आप ये खाएं दोस्तों बहुत ही शुभ रहता है। आपको खाना है इस दिन दोस्तों केला। केला घर में इस दिन जरूर लाएं और उसे आप धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन खाएं। ये बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि दोस्तों केला जो फल है वो आपके घर में समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप इस दिन केला खाते हैं तो इससे आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर से सभी मुसीबतें दूर हो जाएं तो इस दिन केला खाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें कि इस दिन आपको क्या नहीं खाना है, तो आपको इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। और दीपावली के दिन दोस्तों आपको जो भगवान का भोग बनाना है शाम के समय, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस दिन अगर आपके द्वार पर गाय आती है तो आप उसे भी केला जरूर खिलाइए। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन गाय को अगर आप केला खिलाते हैं तो इससे आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गौ माता को आप रोटी में गुड़ रखकर भी जरूर खिलाएं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। दोस्तों आपको बता दे कि धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक इन 5 दिनों में आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आपको इन दिनों में रंग बिरंगे वस्त्र पहनने चाहिए, नए धुले और साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप नए वस्त्र पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नए आप नहीं पहन रहे हैं तो साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपको इस दिन पहनने चाहिए, लेकिन काले वस्त्र का प्रयोग ना करें। चलिए दोस्तों अब आपको बता दें कि इस दिन आपको क्या वो जरूरी काम है जो जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन आप ये काम करने से ना चूके। आपको धनतेरस के दिन यम के निमित्त एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। यम के निमित्त दीपक किस तरह से लगाया जाता है, इसके लिए हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें पूरी विधि बताई है। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो जरूर मिल जाएगी। यम के निमित्त जो आप दीपक लगाएंगे दोस्तों, उसमें आपको एक कौड़ी और 1 रुपए का सिक्का जरूर ही डालना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको दीपावली के दिनों में, यानी कि धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक के 5 दिनों में तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों तुलसी को रोजाना जल चढ़ाया जाता है, लेकिन आपको धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये खास काम करना है। आपको जल के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाना है और फिर आपको तुलसी को अर्पित करना है। दोस्तों इससे आपको माता तुलसी की भी दीपावली के दिनों में विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों धनतेरस की रात और दीपावली की रात आपको पूजन के बाद तुलसी के ऊपर दीपक रखना है और उस दीपक में आपको 1 सुपारी और कपूर रखना है। दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ आपको माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, हैप्पी दिवाली।